हेलो गाइस, वेलकम टू कोर्टेक। और आज हम बात कर रहे हैं डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। तो अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप डीएनएस का यूज़ करते हैं ना। कहाँ यूज़ होता है डीएनएस का, कैसे यूज़ होता है डीएनएस का, और क्यों इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग की फील्ड में डीएनएस, तो सब चीज़ों के बारे में बहुत तसल्ली से बात करेंगे आज इस वीडियो में। मगर इससे पहले, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, और मेरे कमेंट बॉक्स आप लोगों के सजेशन और डाउट के लिए हमेशा ओपन है ही। तो चलिए अब बात करते हैं डीएनएस के बारे में। तो DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम, इसको डोमेन नेम सर्वर भी बोलते हैं ना। क्यों डोमेन नेम सर्वर बोलते हैं, बिकॉज सर्वर्स पे एस्टैब्लिश होता है। तो क्या है इसका बेसिस, तो अगर आपने मेरी आईपी एड्रेस वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से आप उस वीडियो को भी देखिए, और अगर आपको आईपी एड्रेस की वर्किंग नहीं पता है तो, बिकॉज आईपी एड्रेसिंग के वीडियो के अंदर और आईपी एड्रेसिंग को जब मैंने डिस्कस किया था तब मैंने बताया था कि आईपी एड्रेस बेस होता है किसी भी दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन का। तो अगर आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो उस केस के अंदर भी दो कंप्यूटर्स के बीच में आपका कंप्यूटर और उनका जो सर्वर है उसके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है ना। इस कम्युनिकेशन को कैरी आउट करने के लिए हमें आईपी एड्रेस चाहिए, यानी कि अगर ये कम्युनिकेशन करना है, आपको गूगल को एक्सेस करना है तो आपको गूगल का आईपी एड्रेस चाहिए। पर आपको पता है गूगल का आईपी एड्रेस, या फिर मान लीजिए फेसबुक चलाना है, तो मैंने बताया है उस वीडियो में आईपी एड्रेस से ही चलता है। तो आपको पता है फेसबुक का आईपी एड्रेस कि फेसबुक जिस सर्वर पे चल रही है उसका आईपी एड्रेस क्या है, या फिर और कोई भी वेबसाइट xyz.com अगर आप विजिट कर रहे हैं तो उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या आपको पता है? नहीं पता ना। हम सर्च कैसे करते हैं, हम करते हैं www.google.com, www.yahoo.com, facebook.com, gmail.com, जो भी है हम डायरेक्टली उस साइट का नाम डालते हैं और वो साइट खुल जाती है। तो यहाँ पे इन प्ले आता है DNS ना। डोमेन नेम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो लिस्ट कंटेन करता है वेबसाइट का नाम और उनके रिस्पेक्टिव आईपी एड्रेस का। क्या मतलब हुआ इसका, अगर आपको गूगल विजिट करना है तो गूगल का आईपी एड्रेस चाहिए, बट आपको नहीं पता गूगल का आईपी एड्रेस क्या है, तो डीएनएस एक ऐसा सिस्टम है जो सर्वर के ऊपर मेंटेन है, मतलब बड़े बड़े सर्वर्स हैं, उन सर्वर्स के ऊपर लिस्ट है बकायदा, जिसके अंदर एक साइड पे लिखी हुई है वेबसाइट के नाम और एक साइड लिखी हुई है आईपी एड्रेसेस के नाम। तो क्या होता है, जैसे ही आप google.com टाइप करते हैं आपका सिस्टम रीडायरेक्ट होता है टू डीएनएस। DNS पे जाके लिस्ट जो होती है उसके अंदर सर्च किया जाता है और देखा जाता है, अच्छा google.com का आईपी एड्रेस ये है, एंड देन आपको उस आईपी एड्रेस पे भेजा जाता है। दूसरी वेबसाइट का एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक facebook.com आपने सर्च किया कि www.facebook.com। अब क्या होगा, आपका सिस्टम जाएगा DNS के सर्वर्स पे, DNS के सर्वर्स में वो सर्च करेगा कि facebook.com कहाँ है, ये रहा facebook.com, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे facebook.com होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका आईपी एड्रेस लिखा होगा। नाउ आपका सिस्टम उस आईपी एड्रेस को लेगा और आपको उस आईपी एड्रेस से कनेक्ट कर देगा। तो ऐसे सारा काम होता है कि हम बात करते हैं, बिकॉज आईपी एड्रेस की टर्म्स में बात करें कि 8.8.8.8 पे सर्च कर ले तो आपको नहीं पता कि ये गूगल का सर्वर है, तो ये चीज़ करना इतना फीसिबल नहीं है। इसके लिए ऑल्टरनेटिव वे हमने निकाला है और हम वेबसाइट को उनके नाम के थ्रू सर्च करते हैं, बट ऑन बैक एंड वो सारा का सारा काम जो है हमारा आईपी एड्रेस से ही हो रहा है, जिसको मेंटेन करता है हमारा डोमेन नेम सर्वर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ मैं बहुत जल्द आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।